नमस्कार, आप देख रहे हैं जी पंजाब हरियाणा हिमाचल का मॉर्निंग शो गुड मॉर्निंग जी विद श्रभित चौधरी। और इस बुलेटिन में रोज की तरह हम आपको पंजाब हरियाणा हिमाचल की तमाम बड़ी खबरें डिटेल में दिखाएंगे। इसके अलावा आपके लिए तेज रफ्तार से 25 खबरें भी होंगी, लेकिन सबसे पहले रोज की तरह आपके लिए कुछ खास खबरें पॉइंटर्स के जरिए। तो सबसे पहली खबर जो है वो आम आदमी पार्टी से जुड़ी हुई है, वो आपको बता देते हैं। पंजाब में आम आदमी पार्टी उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी कर चुकी है और 13 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया गया है आम आदमी पार्टी की तरफ से। और आपको बता दें कि एक बार फिर से ये अहम रही है कि पिछली बार जब आम आदमी पार्टी ने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया था, उस वक्त भी आम आदमी पार्टी के पंजाब संयोजक सुच्चा सिंह छोटेपुर नदारद थे, और इस बार फिर से जब दूसरी लिस्ट जारी हुई तब भी नदारद थे। और आज इसके अलावा दिल्ली में आम आदमी पार्टी के 21 विधायकों की चुनाव आयोग के सामने सुनवाई भी होने जा रही है। अब अगली खबर है नरसिंह यादव से जुड़ी। ओलंपिक्स में रेसलर नरसिंह यादव अब नहीं खेल पाएंगे। कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन फॉर स्पोर्ट्स ने कहा है कि नरसिंह के पास कोई सबूत नहीं है कि उनके साथ कोई साजिश हुई है। और इसके अलावा ओलंपिक से जुड़ी एक और खबर है कि पीवी सिंधु आज गोल्ड के लिए मुकाबला करेंगी, और इससे पहले कल उन्होंने अपना सिल्वर मेडल पक्का कर लिया है। तो अब फिलहाल हम आगे बढ़ेंगे, डिटेल में खबरें आपको बताएंगे। सबसे पहले पंजाब की बात। पंजाब विधानसभा चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी ने अपने उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी कर दी है। दूसरी लिस्ट में आम आदमी पार्टी ने अपने 13 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया, पर इस बार भी पंजाब आम आदमी पार्टी के संयोजक सुच्चा सिंह छोटेपुर नदारद रहे। पंजाब में 2017 में प्रस्तावित विधानसभा चुनाव को लेकर सियासत सरगर्म हो गई है। चुनावों को लेकर उम्मीदवारों के ऐलान में आम आदमी पार्टी सबसे आगे निकलती दिख रही है। आम आदमी पार्टी की ओर से पंजाब विधानसभा चुनाव के लिए अपने उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट भी जारी कर दी गई है। पार्टी ने अपनी दूसरी लिस्ट में 13 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया है। आज आम आदमी पार्टी दूसरी अपनी कैंडिडेट्स की लिस्ट जारी कर रही है। पहले लिस्ट में 19 लोगों का नाम था, दूसरी लिस्ट आज जो जारी हो रही है इसमें 13 कैंडिडेट्स का नाम है। और इन 13 कैंडिडेट हैं पंजाब की राजनीति में बदलाव चाहते हैं, पंजाब की परिस्थितियों में। आम आदमी पार्टी पंजाब के लिए अभी तक अपने 32 उम्मीदवारों का ऐलान कर चुकी है, जबकि शिरोमणि अकाली दल के मुताबिक उनकी पार्टी में उम्मीदवारों का घोषित होना कोई इशू नहीं है। वही कांग्रेस का कहना है कि उनके मुताबिक उनके यहाँ पर एक सिस्टम है। साढ़े साढ़े कैंडिडेट पता ही है, लोड़ ही नहीं सानू, सारे पता, मैनू पता मैं तो कितने लड़ना, बालसा पता है, सारे पता कितने लड़ना है, सानू कैंडिडेट अनाउंस करने की लोड़ नहीं है। तो पता है कि सारे ना हर सीट पे चार चार पांच पांच बंदियां नु टिकट तो पैसे लेते ने, जब समय आओ एक नु मिलो बाकी थोनू आप ही दस देंगे कि साहब। आम आदमी पार्टी ने अपनी पहले लिस्ट में 19 उम्मीदवारों का ऐलान किया था, जिसके बाद पार्टी में मतभेद के सुर भी उभरे थे। पंजाब आपके संयोजक सुच्चा सिंह छोटेपुर ने भी पहले लिस्ट में कुछ गलत व्यक्तियों को टिकट दिए जाने की बात कही थी। आपने जब अपने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी की थी, उस वक्त सुच्चा सिंह छोटेपुर वहाँ पर मौजूद नहीं थे और छोटेपुर दूसरे लिस्ट के जारी होने पर भी नहीं दिखे। राजन गोसाई के साथ ब्यूरो रिपोर्ट जी मीडिया अमृतसर। पंजाब की सत्ता संभालने का सपना देख रही आम आदमी पार्टी अब आरोपों के घेरे में घिरती हुई नजर आ रही है। पंजाब में पार्टी नेता पवित्र सिंह ने संजय सिंह, जो पंजाब आम आदमी पार्टी के प्रभारी हैं, उन पर टिकट बेचने का गंभीर आरोप लगाया। तो दिल्ली में आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता ने पवित्र सिंह के आरोपों को खारिज कर दिया, लेकिन अपनों के आरोपों से घिरी आम आदमी पार्टी पर विरोधियों ने भी निशाना साधा। आम आदमी पार्टी में टिकटें बेची जाती हैं, लाखों करोड़ों रुपए में इसकी बोली लगाई जाती है। ये आरोप सियासी विरोधियों ने नहीं बल्कि आम आदमी पार्टी की नेशनल काउंसिल के मेंबर पवित्र सिंह ने लगाए हैं। आम आदमी पार्टी के फाउंडर मेंबर्स में से एक पवित्र सिंह ने बताया कि फिलौर हलके की महिला विंग पंजाब की ज्वाइंट सेक्रेटरी लखविंदर कौर की टिकट के बारे में 15 अगस्त की शाम हिम्मत सिंह शेरगिल के घर पर पंजाब प्रभारी संजय सिंह और दुर्गेश पाठक के साथ उनकी मुलाकात हुई, लेकिन मीटिंग के दौरान वो हक्के बक्के रह गए जब उनसे टिकट के बदले 50 लाख रुपए मांगे गए। दुर्गेश पाठक जी ने बिल्कुल जिन्हें सनोखी गल्ला की थी, हम ऐसे कर रहे हैं कि पार्टी चाहती है कि कोई 2 करोड़ कोई 2.5 करोड़ रुपया पार्टी को डोनेशन दे, हमें कैश जमा कराए हमारे पास, फिर उसको हम इलेक्शन लड़वा सकते, क्योंकि आप दोनों ने
आप नेशनल काउंसिल के मेंबर हो, आप दोनों ने पार्टी को बनाने के लिए बहुत काम किया है, हर कैंपेन में काम किया है, इसलिए आपसे हम सिर्फ इतना कहेंगे कि आप 50 लाख रुपया कैश हमारे पास जमा करा दो और आप इलेक्शन लड़ सकते हैं। पवित्र सिंह ने कहा कि इस बारे में उन्होंने अरविंद केजरीवाल को ईमेल भेजी लेकिन कोई जवाब नहीं आया। पीएसी इज द हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी ऑफ आम आदमी पार्टी, हुण जे असीं इन्हां दी शिकायत नहीं करिए तो किहदे कोल करिए? अरविंद केजरीवाल जी नूं मैसेज भेजे गए, टैक्सट किए गए, ईमेल्स भेजिया गई है, लेकिन कोई जवाब नहीं आ रहा। दैट्स वेरी सैड। आम आदमी पार्टी का कहना है कि जो लोग आम आदमी पार्टी में टिकट के लालच में शामिल हुए थे, जब उनको टिकट नहीं मिला तो ऐसे बयान दे रहे हैं। गेट पे बाहर एक बोर्ड लगा हुआ है, उसमें क्लियर लिखा हुआ है कि अगर आप सब कुछ छोड़कर देश बदलने का जज्बा लेकर इस संगठन में आते हैं, आपका स्वागत है। अगर आप सिर्फ टिकट के लिए आते हैं तो आपको हम स्पष्ट करना चाहते हैं कि आम आदमी पार्टी की पूरी राजनीति का चुनाव लड़ना एक छोटा सा हिस्सा है। इसकी जानकारी रखने वाला व्यक्ति कभी भी बेसिर पर के आरोप नहीं लगे। जो एलीगेशन है विदाउट प्रूफ, उन्होंने पब्लिक डोमेन जो उभारिया जाता है वो एक झूठ लोगों तक पहुँचता है। तो असी मिस्टर पवित्र सिंह जिन्होंने तो उन्होंने वाइफ लखविंदर कौर जिन्होंने बिल्कुल विदाउट एनी एविडेंस ये झूठे इल्जाम लगाए है, असी उन्होंने आम आदमी पार्टी उन्होंने क्रिमिनल डेफिमेशन सिविल डेफिमेशन की कार्रवाई करने लगी। पवित्र सिंह के आरोपों के बाद विरोधियों ने भी आम आदमी पार्टी पर निशाना साधना शुरू कर दिया है। ये सब पवित्र सिंह ने गल की है तो ये तो अगे लोगों के बीच है, ये तो पब्लिक डोमेन के बीच है, पब्लिक के बीच गल है, पहलों आ चुकी है कि ये लोग केवल तो केवल पंजाब नूं लुटन वास्ते आए ने। मेरे ख्याल दे विच वो बिल्कुल दोष सही ला रहे ने, और जिहड़े पहले भी इन्हां दे जिन्ने भी है व्यक्ति सीनियर्स ने वो भी इसे गल दे एलीगेशन दसा रहे भी टिकटां विक रही हैं और माताड़ हो रही है। आम पार्टी टिकटां वेच रही है, जे आम पार्टी टिकट ना वेचती होंगी तो कई सज्जन सिंह चीमा वर्गे बंदियां नूं टिकटां दे देंदे जिहड़े एस पी रहे ने, कि अमरजीत सिंह जिहड़ा रोपड़ तो टिकट दित्ती जे ट्रांसपोर्टर ने उन्हां नूं टिकटां दे देंदे, वह टिकटां आप वेच देंदे ने, इल्जाम दूजिआं ते लाउंदे। विरोधियों के साथ साथ अब अपनों ने भी आम आदमी पार्टी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। इससे पहले पार्टी की तरफ से जारी की गई 19 उम्मीदवारों की लिस्ट को लेकर सुच्चा सिंह छोटेपुर ने एतराज जाहिर किया था। चंडीगढ़ से पुनीत परिंजा के साथ राजन गुसाई, जी मीडिया अमृतसर। पंजाब के डिप्टी सीएम सुखबीर बादल ने आम आदमी पार्टी पर तीखा हमला किया है। केजरीवाल पर निशाना साधते हुए सुखबीर बादल ने कहा कि उनकी रुचि पंजाब में नहीं बल्कि केंद्र सरकार के साथ सियासी लड़ाई लड़ने में है। जब से आम आदमी पार्टी ने पंजाब का रुख किया है, ऐसा कम ही होता है कि सुखबीर बादल अपनी रैलियों या कार्यक्रमों में आम आदमी पार्टी को कोसना भूल जाए। अमृतसर में ये भी देखने को मिला। सुखबीर बादल ने आम आदमी पार्टी पर चुटकी लेते हुए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को निशाने पर लिया। उन्होंने कहा कि केजरीवाल की रुचि पंजाब में नहीं बल्कि केंद्र सरकार के साथ सियासी लड़ाई लड़ने में है। कांग्रेस पर बरसते हुए तो सुखबीर बादल यहां तक कह गए कि कांग्रेसी हार मान चुके हैं और कांग्रेसी नेता 2017 की नहीं बल्कि 2022 की तैयारी में जुटे हैं। सुखबीर के बोल सिर्फ इशारा कर रहे हैं कि अकाली दल सूबे में सियासी जीत की हैट्रिक लगाने को बेकरार है। अमृतसर से राजन गोसाई के साथ न्यूज डेस्क रिपोर्ट, जी मीडिया। नवजोत सिंह सिद्धू के सियासी पार्टी को लेकर उनकी सियासी पारी को लेकर सस्पेंस जारी है और आम आदमी पार्टी ने कहा है कि सिद्धू अपना फैसला खुद लेंगे, उनसे किसी तरह का कोई समझौता नहीं हुआ है। तो वहीं मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल ने कहा कि सिद्धू के साथ हमारा कोई लेना देना नहीं।
नवजोत सिंह सिद्धू की नई सियासी पारी को लेकर सस्पेंस बरकरार है। नवजोत सिंह सिद्धू के आम आदमी पार्टी में जाने की चर्चाओं के बीच आम आदमी पार्टी ने सफाई दी है। आम आदमी पार्टी का कहना है कि सिद्धू किस पार्टी में जाएंगे उसका फैसला वो खुद करेंगे, उनके साथ किसी तरह की कोई डील नहीं हुई है। पर जिस प्रकार से राज्यसभा की सीट से हटने का निर्णय उनका अपना निर्णय था, उनका स्वयं का निर्णय था, आगे के राजनीतिक सफर को तय करने का भी निर्णय उनका खुद का होगा। राजनीतिक संगठन होने के नाते और आप लोगों के साथ संवाद और संबंध में होने के नाते हम यह जरूर सुनिश्चित करेंगे कि जैसे ये जानकारी हमें मिलेगी कि वो हमारी पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं, आपका सर्वप्रथम सूचित किया। हम इस बात से डिनाई करते हैं भाई साहब कि इस आम आदमी की पार्टी में, आम आदमी के संगठन में किसी भी प्रकार का नेगोशिएशन नहीं होता है। दौड़ वहीं से शुरू होती है जहां स्टार्ट लिखा होता है। कांग्रेस, अकाली दल और उसकी सहयोगी बीजेपी सिद्धू की सियासी इनिंग को लेकर कुछ ज्यादा दिलचस्पी नहीं दिखा रही। कैप्टन ने कहा कि सिद्धू किसी भी पार्टी में जाए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दूसरी तरफ मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सिद्धू के सियासी कद को बड़ा नहीं मानते। नवजोत सिंह सिद्धू जाने ते केजरीवाल जाने, मेरा तो किसी साडा तो आपकी पार्टी नहीं है कि करा होता, वो दी अपनी गल है। नवजोत सिद्धू साडे पार्टी दा तो मेंबर नहीं है। कई बार उन्हां दा सोचण दा सवेर नूं नजरिया होर हुंदा, शाम नूं होर हुंदा। नवजोत सिंह सिद्धू ने बीजेपी के राज्यसभा पद से इस्तीफा दिया था। उसके बाद सिद्धू सिर्फ एक बार मीडिया के सामने आए। बीजेपी की सदस्यता से सिद्धू ने इस्तीफा नहीं दिया है। आम आदमी पार्टी में जाने को लेकर सिद्धू जोड़ा अभी दुविधा में नजर आ रहा है। ऐसे में सिद्धू को लेकर सियासत सरगर्म है। अमृतसर से राजन गोसाई के साथ पंकज कपाही, जी मीडिया, दिल्ली। पंजाब सरकार की तरफ से चंडीगढ़ के अलग प्रशासक की नियुक्ति के विरोध पर अब केंद्र सरकार ने अपना फैसला वापस ले लिया है। पंजाब के गवर्नर ही अब चंडीगढ़ के प्रशासक होंगे। उधर इस मामले पर सियासत अब शुरू हो गई है। चंडीगढ़ के प्रशासक को अलग से नियुक्त करने के 32 साल पुराने फैसले को केंद्र सरकार ने जिस तरह से बदला, चंद घंटों में ही केंद्र ने अपने फैसले को वापस ले लिया। 32 साल से पंजाब के राज्यपाल को ही चंडीगढ़ का प्रशासक की जिम्मेवारी मिली हुई थी, पर पंजाब के नए गवर्नर बीपी सिंह बदनौर के साथ प्रशासक के तौर पर पूर्व आईएएस अफसर और केरल के बीजेपी नेता अल्फोंस कंथानम को प्रशासक नियुक्त किया गया था। पर मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल के दबाव की वजह से अब केंद्र ने अपना फैसला वापस ले लिया। एंड रिजल्ट है कि पंजाब का गवर्नर ही वो एडमिट रहेंगे। उधर केंद्र ने चाहे अपना फैसला वापस ले लिया हो, पर मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल चंडीगढ़ को लेकर हुए विवाद के लिए कांग्रेस को जिम्मेवार बताते हैं। उधर सूबा कांग्रेस प्रधान कैप्टन अमरिंदर सिंह चंडीगढ़ के लिए अलग प्रशासक नियुक्त करने के लिए बीजेपी को जिम्मेवार मानते हैं, जबकि आम आदमी पार्टी का कहना है कि केंद्र ने दबाव में यू टर्न लिया है। उधर बीजेपी को पंजाब के लिए अलग प्रशासक नियुक्त करने में कोई बुराई नजर नहीं आ रही। अजीब लौंगोवाल अकॉर्ड का हिस्सा सी और यही इशू सी जिदे नाल पंजाब पख्या सी। एक बार असी फेर नहीं चाहते, ये बीजेपी की मेहरबानी है एंड बीजेपी वो हटाए। पंजाब का गवर्नर रखने का मतलब सी कि असी एक्सेप्ट कर लिया कि पंजाब का एक कैपिटल है और जदों हरियाणा अपना बना लूगा फिर पंजाब का हो जू। हुण तुसीं ओही लाइन ही कट रहे हो विच इज़ टोटली इररिस्पोंसिबल एंड पंजाब इस नूं बिल्कुल नहीं मनेगा। एज पंजाब इकाई सानूं लगता है, एज पंजाब यूनिट लगता है कि अगर इन्हूं ना करदे तां चंगा सी, पर कीता है तां इहदा कोई पंजाब दा जिहड़ा चंडीगढ़ दे उपर हक है उहदे उपर की क्वेश्चन। जी हजे तुसीं हाँ तुसीं हाँ तुसीं तुसीं उह देख लो अज इहनां ने किवें यूटर्न लिया हैगा। सो यू काइंडली सी, चंडीगढ़ किसका है, पंजाब का या हरियाणा का? इस मुद्दे पर दोनों प्रदेशों में सियासत हमेशा से सरगर्म रही है। चुनाव से ठीक पहले केंद्र सरकार ने जिस तरह चंडीगढ़ के लिए अलग से प्रशासक नियुक्त करने का फैसला किया था, उस पर सियासत ना हो इसलिए केंद्र सरकार ने अपने फैसले पर यू टर्न ले लिया है। राजन गोसाई के साथ पुनीत परिंजा, जी मीडिया।
ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੁਣਾਵ ਨਜ਼ਦੀਕ ਆਤੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਕਾਸ ਪਰਿਯੋਜਨਾਓਂ ਕੋ ਅਮਲੀ ਜਾਮਾ ਪਹਿਰਾਨੇ ਕਾ ਕਾਮ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿਆ ਹੈ। ਇਸੀ ਕੜੀ ਮੇਂ ਡਿਪਟੀ ਸੀਐਮ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਆਜ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਜੋ ਹੈ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਪਹੁੰਚੇ ਔਰ ਖਬਰ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਮੇਂ 2000 ਫ੍ਰੀ ਦਵਾਈ ਕੀ ਦੁਕਾਨੇ ਖੋਲਣੇ ਕੀ ਯੋਜਨਾ ਕੋ ਆਖਰੀ ਰੂਪ ਦੇਣੇ ਕੀ ਤਿਆਰੀ ਮੇਂ ਜੁਟੀ ਹੈ। पंजाब में चुनाव सर पर है, ऐसे में अकाली सरकार ने विकास कार्यों को अमली जामा पहनाने की रफ्तार को बढ़ाने की कोशिश की है। इस सिलसिले में सूबे के डिप्टी सीएम फिरोजपुर पहुंचे, जहां उन्होंने मोगा रोड पर 75 करोड़ की लागत से बनने वाले ओवरब्रिज का नींव पत्थर रखा। इस मौके पर सुखबीर बादल ने दिल्ली सरकार के मोहल्ला क्लिनिक को फ्लॉप करार दिया और दावा किया कि सरकार प्रदेश भर में 2000 दुकानें खोलने जा रही है, जिसमें सरकारी डॉक्टर्स की तरफ से लिखी दवाई फ्री में बांटी जाएगी। सुखबीर बादल ने बताया कि दिल्ली सरकार की तरफ से खोले गए मोहल्ला क्लिनिक छोटी दुकानें हैं, जबकि पंजाब सरकार ने मरीजों को फ्री दवा उपलब्ध करवाने का खाका तैयार किया है। कोई मोहल्ला क्लिनिक, एक दुकान खोली है मोहल्ला क्लिनिक, एक असी फ्री मेडिसिन शॉप है, आज क्लिनिक नहीं है, फ्री मेडिसिन शॉप है, प्रिस्क्रिप्शन चल रही है उन्हां दी, उत्थे दवाई जड़ी तुसी सरकारी अस्पताल जाने हो, जो डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब करूंगा उत्थे जाके तुसी फ्री ले सकदे हो पूरे पंजाब। पंजाब सरकार की निशुल्क दवा बांटने की योजना जनता को भा सकती है, बशर्ते दिखावे के बजाय लोगों को सही मायनों में इससे फायदा हासिल हो। फिरोजपुर से गुरदर्शन सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। अमृतसर के बाबा बकाला में शिरोमणि अकाली दल की सियासी कॉन्फ्रेंस में उप मुख्यमंत्री सुखबीर बादल ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने विधानसभा में विपक्ष पर जनता के मुद्दों पर जवाबदेही से फेल होने का आरोप लगाया। अमृतसर के बाबा बकाला में सियासी कॉन्फ्रेंस के दौरान विकास कार्यों के नाम पर पंजाब के डिप्टी सीएम ने कैप्टन अमरिंदर सिंह के कार्यकाल को फ्लॉप करार दिया। सुखबीर बादल के मुताबिक कैप्टन के सीएम रहते एक भी विकास कार्य ऐसा नहीं हुआ जिसे जनता के सामने गिना सके। कैप्टन अमरिंदर सिंह के कार्यकाल की खिल्ली उड़ाने के बाद सुखबीर बादल ने अकाली सरकार की उपलब्धियां गिनाई। सुखबीर ने दावा किया कि आज की तारीख में पंजाब बिजली के मामले में सरप्लस है। सुखबीर बादल ने बताया कि अमृतसर, चंडीगढ़ और बठिंडा को एयरपोर्ट की सुविधा भी अकाली सरकार की देन है। पंजाब कांग्रेस विकास के मुद्दे पर अकाली सरकार को घेरने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ती। सुखबीर बादल मानो उनके ही आरोपों का जवाब देने की कोशिश कर रहे थे। अमृतसर से राजन गोसाई के साथ न्यूज डेस्क रिपोर्ट, जी मीडिया। केंद्रीय कपड़ा राज्य मंत्री अजय टम्टा गुरुवार को हिमाचल के ऊना पहुंचे, जहां उनके निशाने पर हिमाचल के सीएम वीरभद्र सिंह के साथ साथ उत्तराखंड की कांग्रेस सरकार भी रही। उन्होंने उम्मीद जताई कि 2017 में सूबे में बीजेपी सत्ता पर काबिज होगी। केंद्रीय कपड़ा मंत्री और उत्तराखंड के अल्मोड़ा से सांसद अजय टम्टा ऊना पहुंचे, जहां बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। इस दौरान मीडिया से मुखातिब होते हुए मंत्री अजय टम्टा ने कहा कि हिमाचल के मुख्यमंत्री करप्शन के मामलों में घिरे हैं और मंत्री भी इससे अछूते नहीं हैं। उन्होंने दावा किया कि हिमाचल और उत्तराखंड में भ्रष्टाचार का एक जैसा माहौल है। दोनों देवभूमि हिमाचल और उत्तराखंड, इन दोनों जगह भी ऐसा ही वातावरण हिमाचल के अंदर भी है। भ्रष्टाचार की असीम सीमाएं कांग्रेस शासित प्रदेशों में चल रही हैं। केंद्रीय कपड़ा राज्य मंत्री ने कहा कि अगर सूबा सरकार जमीन उपलब्ध कराए तो टेक्सटाइल पार्क के लिए 40% बजट केंद्र सरकार वहन करेगी। हमको भूमि उपलब्ध कराकर जो भी हमारे 8 इस प्रकार के जो अटैचमेंट वाले व्यवसायी हैं या ग्रुप्स हैं,
उसमें वो हमको पूरा बना कर दें तो 40% धनराशि केंद्र सरकार अलॉटमेंट कर देगी। और उन्होंने हिमाचल के हैंडक्राफ्ट उद्योग को अंतर्राष्ट्रीय बाजार उपलब्ध करवाने पर जोर देने की बात कही है। ऊना से राकेश मलही के साथ न्यूज डेस्क रिपोर्ट, जी मीडिया। फरीदाबाद की जिला जेल में रक्षाबंधन का त्यौहार बड़ी धूमधाम से मनाया गया। जेल प्रशासन ने कैदियों के लिए रक्षाबंधन के मौके पर खास बंदोबस्त किए थे। देखिए रिपोर्ट। फरीदाबाद के जिला कारागार में भी भाई बहन के पावन त्यौहार पर रौनक बनी रही, जिसकी वजह जिला जेल प्रशासन बना। दरअसल निमका जेल में 2300 कैदी बंद हैं। ऐसे में उनकी कलाई सुनी न रह जाए, इसकी खातिर जेल में निशुल्क राखी और मिठाई का बंदोबस्त किया गया था, जिसके चलते कैदियों की बहनों को अपने भाइयों की कलाई पर राखी बांधने में कोई दिक्कत नहीं आई। इस त्यौहार पर भाइयों से मिलने की खुशी भी बहनों के चेहरों पर साफ देखने को मिली। आज रक्षाबंधन के त्यौहार में हमारे महानिदेशक कारागार श्री यशपाल सिंगल जी के देश द्वारा आज बहनों के लिए विशेष सुविधा का प्रबंध किया गया है। यहाँ जो बहनें कई बार राखी लाना भूल जाती थी, राखी का उनका प्रबंध किया गया और उनके मिठाई व उनके पानी के लिए विशेष प्रबंध किया गया कि कोई प्रकार किसी प्रकार की समस्या ना हो। कई जगह पर जेल प्रशासन कैदियों को सुधारने के लिए उनकी स्किल डेवलपमेंट पर जोर देता है, जबकि कई जगहों पर कैदियों का बनाया सामान बाजार तक पहुंचाया जाता है। ऐसे ही त्योहारों के मौके पर जेल प्रशासन की तरफ से किए जाने वाले प्रबंध भी अच्छा कदम है। फरीदाबाद से विनोद मित्तल, जी मीडिया।